हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर वन रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स क्लास 12th की एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कोई चीजें मिस तो नहीं हुई है। ऑन द अदर हैंड वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर अवर एग्जामिनेशन एज वेल, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी ही एकमात्र ऐसी बुक है जिसको फॉलो किया जाता है फॉर ऑल द नेशनल एग्जामिनेशन। ठीक है, let us start. See, each and every organism can live for only a certain period of life. This is known as the lifespan. First of all, इन्होंने lifespan की बात की है। Lifespan क्या होता है? Period of the organism from birth to natural death. From birth to natural death का जो time होता है, that is the lifespan. Okay? Now we can see that lifespan can be long as from few days to few thousand years. मतलब कि एक दिन few hours basically, कुछ घंटों से लेके few thousand years तक का lifespan हमारा हो सकता है. Between these two extremes of lifespan are most other organisms. Reproductive period. You may note that the lifespan of organisms are not necessarily correlated with their sizes. अगर size छोटा है तो lifespan भी छोटा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमें कैसे पता चलता है? Crow and parrot के lifespan से। Crow का lifespan is of 25 to 30 years and parrots live for 140 years. सिमिलरली मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री के लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा फर्क है, बट इनके साइज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अब जिसकी लाइफ शुरू हुई है उसकी लाइफ खत्म होगी ही होगी एक दिन। सभी ऑर्गेनिजम्स का एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है एक्सेप्ट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। No individual is immortal, कि कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो अमर हो, जो कभी ना मरे, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड में ऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ नाम की कोई चीज नहीं होती है, बिकॉज जब वो डाई करने की स्टेज में आते तब वो क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। ठीक है, नाउ अगर हमें पता है, हमें सबको पता है कि लाइफ शुरू हुई है तो डेथ भी होगी, तो फिर भी इतने सालों से अर्थ के ऊपर लाइफ कंटिन्यू कैसे हो रही है? ये इसलिए हो रही है बिकॉज देयर इज अ मेथड, देयर इज अ फिनोमेनन नोन एज रिप्रोडक्शन, एंड रिप्रोडक्शन की वजह से ही हमारा जो लाइफ स्पैन है वो कंप्लीट हो रहा है और हम आगे अपनी जनरेशन को बढ़ा रहे हैं। नाउ लेट अस सी द लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एलिफेंट। Now, हमें कुछ इन्होंने ऑर्गेनिजम्स के नाम बताए हुए हैं, कुछ के इन्होंने लाइफ स्पैन लिखे हुए हैं, कुछ के हमने गेस करने हैं। सो द लाइफ स्पैन ऑफ एलिफेंट इज 60 ईयर्स। द लाइफ स्पैन ऑफ रोज इज, रोज प्लांट बेसिकली, 5 to 7 ईयर्स। लाइफ स्पैन ऑफ डॉग इज 20 to 30 ईयर्स। लाइफ स्पैन ऑफ बटरफ्लाई इज 1 to 2 वीक्स। क्रो इज 15 ईयर्स, पैरट इज 140 ईयर्स। अब देखो, क्रो और पैरट में कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं है। लाइफ स्पैन ऑफ काउ इज 20 to 25 ईयर्स एंड लाइफ स्पैन ऑफ बनाना ट्री इज 25 ईयर्स। लाइफ स्पैन ऑफ क्रोकोडाइल इज 60 ईयर्स। लाइफ स्पैन ऑफ हॉर्स इज ऑल्सो 60 ईयर्स एंड लाइफ स्पैन ऑफ फ्रूट फ्लाई इज ओनली 30 डेज। ठीक है, 30 डेज। नाउ आगे चलते हैं और आगे जाके देखते हैं। देयर इज अ राइस प्लांट। राइस प्लांट की लाइफ है 3 to 4 मंथ्स एंड बैनियन ट्री की लाइफ है मोर देन 200 ईयर्स। थ्री टू फोर मंथ्स, 200 years, more than 200 years, very easy.
अब हम आगे चलते हैं एंड रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ. सिमिलर की बात की है, आइडेंटिकल की बात नहीं की है, ये याद रखना है. ऑफस्प्रिंग फिर क्या करता है, ग्रो करता है, मैच्योर करता है एंड दोबारा वो खुद भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. तो ये एक साइकिल है, साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ, जिसमें रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. That is clear. Now, there is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. सभी का अपना तरीका है, जिसमें हमने किया था asexual and sexual reproduction के बारे में. तो, organism के habitat पे, its internal physiology and other factors पे depend करता है that how the organism reproduce. ठीक है, कि reproduction का उसका method क्या है. Based on whether there is participation of one organism or two in the process of reproduction, there is two types when offspring is produced. Let me erase this. Okay. दोबारा से देखते हैं. Based on whether there is participation of one organism or two, जो reproduction है, that is of two types. बेसिकली वन पेरेंट और टू पेरेंट की बात नहीं की जाती है, वन सेक्सेस और टू सेक्सेस की बात की जाती है. सेक्सेस से भी रिलेटेड जो वर्ड है हमारा गैमीट, उसकी बात की जाती है. तो गैमीट्स अगर इन्वॉल्व नहीं है, दैट रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व है, सेक्सेस इन्वॉल्व है, टू पेरेंट्स या टू सेक्सेस इन्वॉल्व है, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In this method, a single individual is capable of producing offspring. As a result, the offspring that is produced are not only identical to one another, but are also exact copies of their parents. हमने पढ़ा था कि asexual reproduction में basically क्या form होते हैं? Clones form होते हैं. These clones are clones क्यों कहते हैं इनको? Because they are identical to their parents. सारे characteristics same होते हैं. होंगे भी क्यों नहीं? Because एक ही पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल है, तो वही इनहेरिट हो रहा है एंड जो ऑफस्प्रिंग है दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? क्लोन. क्लोन इज द वर्ड यूज फॉर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स विद देयर पेरेंट्स. ठीक है, सपोज करो मुझे क्लोन बनाना है. क्लोन का मतलब क्या होगा कि जो मेरे पास है ऑलरेडी, उसी से मैं एक दोबारा न्यू ऑफस्प्रिंग बना दूंगी. नाउ यू कैन सी यहाँ पे बाइनरी फिशन दिया है इन अमीबा. फर्स्ट इज द न्यूक्लियस एनलार्जेस. न्यूक्लियस एनलार्ज होने के बाद वो डिवाइड कर जाता है एंड देन साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस एंड अल्टीमेटली द डॉटर सेल्स आर फॉर्मड. दिस बी डायग्राम इज ऑफ बाइनरी फिशन इन अमीबा. बेसिकली बाइनरी फिशन इन अमीबा नहीं, बाइनरी फिशन इन प्रोकैरियोट्स ही है. देन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बडिंग में क्या होता है? पेरेंट सेल में आउटग्रोथ होती है. आउटग्रोथ इनसाइड द बॉडी भी हो सकती है, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकती है. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बड बोलते हैं. दिस बड ग्रोज एंड वो टूट के क्या हो जाती है? सॉइल के कॉन्टेक्ट में आने के बाद एक न्यू, बिल्कुल पेरेंट की तरह एक न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर देती है. लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. Asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animals with relatively simple organizations. Asexual reproduction un organisms mein bilkul common hai. Asexual reproduction is very common in that organisms which are having ek to single-celled hoge, wo jo bilkul simple hai unki organization, या फिर मल्टी सेलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सिंपल है. फॉर एग्जांपल इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स, द ऑर्गेनिज्म ऑफ द और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, कंपैरेटिव टू द हायर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा कॉमन है. क्यों? बिकॉज दे आर ऑफ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन इन कंपैरिजन टू अदर्स.
Now, this A diagram is of zoospores. Zoospores हमने पढ़ा था motile spores होते हैं जो क्या करते हैं reproduction में part लेते हैं. ये सारे zoospores हैं. ये zoospores जहाँ पे भी जाके fertile करेंगे मतलब कि sprout out करेंगे ये parent की तरह बिल्कुल एक new organism बनाएंगे. Next is the conidia. ये conidia वाले spores हैं. Conidia क्या होते हैं छोटे छोटे non motile spores होते हैं. ये भी हवा के form में उड़ के जब इनको एक सबस्ट्रेटम मिल जाएगा एक मीडियम मिल जाएगा प्रॉपर तो ये क्या कर जाएंगे स्प्राउट आउट कर जाएंगे. नेक्स्ट इज दिस बड. बड बडिंग इन हाइड्रा. ये बड क्या करेगा स्प्राउट करके न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा. एंड दिस इज द जेम्यूल्स. ये जेम्यूल्स क्या है जेम्यूल्स आर द इंटरनल बड दैट आर प्रेजेंट इन स्पॉन्ज. अब ये डायग्राम देख लो अच्छे से. एनसीईआरटी की हर डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. First diagram is of zoospores in Chlamydomonas. Second is conidia of the penicillium. Penicillium is a kind of fungi. Third is hydra mein budding ki hai. Fourth is gemmules in the sponge. Gemmules kya hote hain? Internal buds hote hain jo sponges mein milte hain. In these organisms, cell division itself is a mode of reproduction. Ab dekho, humne padha tha ki unicellular organism immortal hai. To cell division ka matlab kya hota hai? Growth. Growth is a mode of reproduction. Growth or reproduction, jo dono word hai, they are synonymous to each other. Many single-celled organisms reproduce by binary fission, where a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult. For example, amoeba and paramecium. New cells bane, wo grow kiye, unka nucleus grow kiya, nucleus divide kiya, then cells divide kar gaye. This is known as a binary fission. It is very common method of sexual reproduction in asexual reproduction in amoeba and paramecium. In yeast, the division is unequal and small buds are produced that remains unattached to initially to the parent cell. Dekho, bud jo hota hai obviously parent cell ke comparative binary fission mein parent cell equally divide karta hai. लेकिन बड क्या होता है ऑब्वियसली कंपैरिजन टू द पेरेंट सेल बड जो होता है इट इज अ स्मॉलर. तो वो स्मॉलर जो बड होता है वो पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है. ठीक है पहले पहले बड जो होता है अटैच होता है अपने पेरेंट से. उसके बाद वो क्या हो जाता है डिटैच होके न्यू ऑफस्प्रिंग बना लेता है बिल्कुल सिमिलर क्लोन टू द पेरेंट्स. मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी reproduce through special asexual reproductive structures known as zoospores, conidia, buds and gemmules. Basically इन्होंने क्या बात की है यहाँ पे zoospores की बात की है कि algae का group है जो वो zoospores से उनके पास special sexual structures होते हैं zoospores और अदर जो हमारे पास होते हैं दे आर द कोनिडिया बर्ड्स एंड जेम्यूल्स. कोनिडिया आपको पता है किसी किस में प्रेजेंट होते हैं पेनिसिलियम में बेसिकली फंजाई में. दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स जो हवा के माध्यम से उड़ के सबस्ट्रेटम पे लाए करके न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देते हैं. बर्ड्स क्या करते हैं डिटैच होके न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर देते हैं. जेम्यूल्स क्या करते हैं जेम्यूल्स आर द इंटरनल बर्ड्स दैट आर फाउंड इन द स्पॉन्जेस. ओके नाउ लेट अस गो फर्दर. ये डायग्राम्स है ये डायग्राम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स की. ये आपको पता है अगेन एनसीईआरटी की डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपकी नीट में एमसीक्यूज में आ सकती है. ट्यूबर्स इन पोटैटोस राइजोम ऑफ जिंजर दिस इज ब्रायोफाइलम एंड दीज आर ऑफसेट्स इन आइकॉन. ठीक है इसको देखते हैं. देखो आईज ऑफ पोटैटो राइजोम ऑफ जिंजर बिलबिल ऑफ एगेव लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम ऑफसेट ऑफ वॉटर हियासिंथ दीज आर द वेजिटेटिवली प्रोपगेटिंग स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स. इसके बारे में क्या लिखा है ये पढ़ते हैं. यहीं से शुरू करते हैं प्लांट्स के बारे में. इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर राइजोम सकर ट्यूबर ऑफसेट बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगोल्स.
वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड है जिसके माध्यम से हो रही है, कि रनर के माध्यम से हो रही है, लीफ के माध्यम से हो रही है, स्टेम के माध्यम से हो रही है, तो उसको क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, the process involved is asexual. Obviously, इसमें भी दो parents नहीं है, single parent है, single organism है, कोई भी sex नहीं है, कोई भी gamete नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? We call it the mode of the next mode, the other mode of asexual reproduction only. Now, you must have heard about Terror of Bengal. Terror of Bengal की story भी हमने पढ़ी थी. What is this? कि ये अपने लीव्स के लिए बाहर से लाए गए, तो इंडिया में इसका नेचुरल प्रीडेटर है जो एब्सेंट है, और हमें नहीं पता था कि ये जो प्लांट्स हैं ये बहुत ही तेज रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट्स, एक्वाटिक मीडियम में पूरा फैल जाते हैं लेक्स में, तो ये चीज हमें नहीं पता थी, इसीलिए ये पूरे लेक्स में फैल गए. बंगाल वाली साइड में बेसिकली इन्होंने सारी वाटर बॉडीज को इन्वेड कर लिया, जिसकी वजह से फिशेस हैं जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ने लगा, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलने लगे. दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हयासिंथ, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव वीड्स. वीड्स है जो खुद ग्रो कर जाते हैं, उसको वीड्स बोल देते हैं. फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज अ स्टैंडिंग वाटर. कैसे ग्रो करें देयर इज स्टैंडिंग वाटर? कोई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पहले से प्रेजेंट हो वो आगे जाके फैल जाता है, ठीक है, विच लीड टू डेथ ऑफ द फिशेस. ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये खुद फैल गया और बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचा रहा है. यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, बट हमें नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करके फैल जाएगा और हमारे लिए खतरा बन जाएगा. It is very difficult to get rid of them because जिस natural environment से लेके आए हैं, natural predator तो वहीं पे present होगा. India में इसका natural predator absent है और ये फैल ज्यादा रहा है, इसलिए इसको मतलब हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए. Now potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia, ये कैसे cultivate होते हैं? Potato in the with the help of buds that are present on the stem of their eyes. Have you seen small plants emerging from the buds of the potato tuber from rhizomes of banana and ginger? When you carefully try to determine the site of origin of new plantlets, you will see that these all structures arise from nodes. Dekho, kuch bhi nahi hai is chapter mein. Everything is easy, everything is done already. But cheez ye ki iski examples NCERT mein jo given hai, they are very very important. You have to learn it in any way, by hook or by crook, aapko yaad karna hi karna hai, theek hai. Ye maine aapko bataya tha ki koi bhi vegetative propagule hai wo nodes se hi arise hota hai. Nodes se arise hoke roots and shoots nikalte hain, jiski wajah se pura plant hai jo new ban jata hai. When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. Similarly, adventitious buds arise from the notches present at the leaves of bryophyllum. Bryophyllum leaves ke upar leaves grow karti hai. That adventitious buds are also capable of growing a new plant. Isliye isko bhi hum vegetative propagation ka ek method mante hain. It is interesting to know that asexual reproduction is a common method of reproduction in organism that have already that have a relatively simple organization like algae, fungi, and they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse conditions. Asexual reproduction ka jo method hai, that is very common, theek hai, in algae and fungi. अब जब एडवर्स कंडीशंस आ रही हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शिफ्ट करना शुरू कर दिया ऑर्गेनिजम्स ने. नाउ द आंसर दैट क्वेश्चन इज कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल्स दीज ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव. टू पेरेंट्स होंगे, हो सकता है एक अच्छा एक बुरा है, बट ऑफस्प्रिंग में दोनों के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा दोनों पेरेंट्स का. इसलिए ड्यू टू दिस इवोल्यूशन में एंड अपनी कंडीशंस को बेटर करने में जो ऑफस्प्रिंग है वो कामयाब होगा. दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से
जो भी ऑफस्प्रिंग बनता है उसको बोलते हैं दैट इट इज मोर लायबल देन अदर्स देन द ऑफस्प्रिंग मेड फ्रॉम सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of animals, जैसे human beings हैं, इन्होंने इनमें asexual reproduction नाम की कोई भी चीज नहीं है, only sexual reproduction, cows हैं, elephants हैं, okay, like this. Now let us read it again, further. Sexual reproduction involves formation of male and female gametes. Either by same individual or by different individual of the opposite sex. मैंने बोला था male and female gametes होते हैं जो sexes बनाते हैं. Two sexes involved होते हैं, two parents involved हो या ना हो ये जरूरी नहीं है. These gametes fuse to form zygote, which develops to form the new organism. It is an elaborate बड़ा complex and slow process. It is more advanced process. इसलिए स्लो एंड कॉम्प्लेक्स है थोड़ा टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स और अमंग देमसेल्व्स. जैसे दो भाई बहन है वो भी खुद से आइडेंटिकल नहीं होते हैं. जो आइडेंटिकल ट्विन्स है ना बेसिकली मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बोलते हैं जिनको उनमें भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं. थर्ड पेरेंट्स से भी मैच नहीं करें और खुद से आपस में भी अपने सिबलिंग से भी मैच नहीं करते हैं ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द जीन्स. ओके. अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एनिमल्स और फंजाई शो दैट दे डिफर सो ग्रेटली इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन They share a similar pattern. इसको डिस्कस करते हैं. जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है एक कॉकरोच, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है एक डॉग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ह्यूमन बींग. मॉर्फोलॉजी में कितना फर्क है, आउटर स्ट्रक्चर्स में कितना फर्क है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में कितना फर्क है, बट फिर भी वो सेम स्टेप्स फॉलो कर रहा है, पैटर्न है जो वो सिमिलर फॉलो कर रहा है. ठीक है. All organism have to reach a certain stage, चाहे cockroach है चाहे dog है, उसको mature होना पड़ेगा sexual reproduction करने के लिए. Call the juvenile phase. It is also known as the vegetative phase in plants. Plants के केस में इसको vegetative phase बोलते हैं. जुविनाइल फेज होता है हमारा ग्रोइंग फेज जिसमें हम बच्चे होते हैं बेसिकली. ये फेज हमें क्रॉस करना होता है और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने रिप्रोडक्टिव फेज में. रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचने के बाद हम थोड़े से रिप्रोडक्टिव चेंजेस में इन्वॉल्व होते हैं. द एंड ऑफ जुविनाइल और वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इजिली इन हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स में फ्लावर ग्रो करने जब शुरू हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि दीज this plant has now come to its maturity phase. Okay. How long does it take for marigold, rice, wheat, coconut and mango plants to come to flower? Marigold, rice, wheat में तो जल्दी हो जाता है, within 2 months maybe. But coconut and mango plants को थोड़े साल लग जाते हैं, 2-3 साल के बाद वो flowering करनी शुरू करते हैं. Thus, a juvenile phase also matters on the lifespan. जितना लंबा lifespan होगा, juvenile phase भी उतना लंबा हो. Observe a few trees in your area. Do they flower during the same month, year after year? Most of the fruits हैं जो वो okay. First of all, तो हमें पता है कि seasons सभी fruit के different होते हैं. ठीक है. Most of the plants prefer to flower in spring season. तो spring के बाद summers में बट फिर भी सीजन्स क्या है वेरी करते हैं. कई और कई प्लांट्स जो हैं वो समर्स में फ्रूटिंग करते हैं, कई प्लांट्स जो हैं वो विंटर में फ्रूटिंग करते हैं. ठीक है. दे आर द सीजनल फ्रूट्स. जैसे कि हमें पता है मैंगो गर्मियों में मिलता है, एप्पल एंड जैक फ्रूट वी आर फाउंड इन मिड नवंबर जब सर्दी शुरू होने वाली होती है. मिड नवंबर एप्पल जो है वो मिड नवंबर से मार्च तक के सीजन तक मिलता है. And jackfruit is also found in autumn season.
plants, the annual and biennial types show clear-cut vegetative, reproductive and senescent phases. Annual and biennial कौन है जो एक साल में ही अपना पूरा lifespan complete कर लेता है, juvenile phase, reproductive phase and death. इनमें हम देख सकते हैं कि हाँ अभी ये grow कर रहे हैं, फिर ये grow हो जाते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा पंजाबी में जो wheat है, wheat का color change हो जाता है from green to golden. This means that now there's a harvesting season. तो ऐसे ही बाकी plants जो है annual and biennial, उसमें हम mark difference देख सकते हैं जो हमें visually, जो हमें visibly दिखता है. But in perennial species, it is very difficult to clearly define these phases. But जो mango plant है, एक बार जब उसने flowering कर दी, flowering करने शुरू कर दी, तो हम बाद में कब फ्लारिंग करेगा, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं चलता कि कब सीजन है. फ्लारिंग का हमें सीजन रफ सा पता होता है, लेकिन मार्क्ड डिफरेंसेस नहीं होते हैं उसमें. अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लारिंग फिनोमिनन. सम ऑफ देम सच एज बैम्बू स्पीशीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम. मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक की एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी. बैम्बू प्लांट ऐसा प्लांट है जो 50 से 100 इयर्स में एक बार फ्लावरिंग करता है एंड बहुत ज्यादा फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है और मर जाता है. उसके बाद हमने नीलकंठ की बात की थी, नीला कुरांजी, नीलकंठ भी बोलते हैं उसको, नीला कुरांजी के बारे में बात की थी, जिसकी मैंने आपको फोटोग्राफ भी दिखाई थी. तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा 12 साल के बाद फ्लावरिंग होती है, बट फ्लावरिंग इतनी ज्यादा होती है कि इतना ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है. इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्स ऑफ हिली एरियाज इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट. इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू द एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर. एनिमल्स में क्या होता है, अब तो ये प्लांट्स की बात है, बट एनिमल्स में जब जुवेनाइल फेज खत्म होता है और रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, उनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं. एंड ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि इन्होंने पूछा है, कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बीइंग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. ऑफ कोर्स इन गर्ल्स, गर्ल्स स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग एंड बॉयज, बॉयज स्टार्ट ग्रोइंग फेशियल हेयर. Depth in their voice. Girls की भी voice में change आता है, but that is not the indicative change. Boys की voice में change is the indicative change. And girls start menstruating, उनकी body shape में बहुत ज़्यादा difference आना शुरू हो जाता है. On the other hand, boys के facial hair से we can say that the human being is being reproductively mature. Now. Among animals, birds. Birds lay eggs throughout the year. नहीं, उनका भी एक सीजन होता है. Frogs और lizard का भी reproductive एक सीजन होता है near the rainy season. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, seasonal reproductive organisms होते हैं जो एक सीजन में reproduce करते हैं. In this case, laying eggs is not related to reproduction, but is commercial exploitation for human welfare. कई जो organisms हैं, उनको क्या है, मतलब कि poultry farming में basically birds को सारा साल throughout the year eggs देने के लिए मजबूर किया जाता है. That is just commercial exploitation. वरना जो animals होते हैं, they are also seasonal in breeding. उनका भी एक breeding का season होता है. But like mammals, primates हो गए जो mammals, cows, sheep, rats, deer, dog. इनमें ईस्टर साइकिल के थ्रू साइक्लिक चेंजेस होते हैं. ये हम रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, तो ये आपको डिटेल में तब समझ आ जाएगा. बेसिकली ईस्टर साइकिल है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, दोनों में क्या होते हैं, हार्मोन में चेंजेस होते हैं. एंड द एनिमल इज मेड रिप्रोडक्टिवली मैच्योर. Many mammals, especially those living in natural,
wild conditions exhibit such cycles only during favorable seasons and they are called seasonal breeders. जो किसी सीजन में ब्रीड करते हैं उनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स एंड कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स वो होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स दे कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर ह्यूमन बींग्स के ब्रीड करने का कोई सीजन तो नहीं होता है ना दे कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर गर्मी में भी सर्दी में भी स्प्रिंग में भी ऑटम में भी थर्स्ट